अजमेर सांसद भागीरथ चौधरी के नेतृत्व में आज जिला देहात पदाधिकारी पानी बिजली व किसान समस्याओं को लेकर जिला कलेक्टर से मुलाकात करने पहुँचे। DBS सीनियर सेकेंडरी स्कूल तबीजी लेकर आए हैं ऑनलाइन क्लासेस फ्रॉम प्री प्राइमरी टू क्लास 12 फॉर ऑल सब्जेक्ट्स। 100% फर्स्ट डिवीजन इन 10th बोर्ड, 50% डिस्काउंट फॉर गर्ल्स। DBS सीनियर सेकेंडरी स्कूल नियर तबीजी फार्म रोड अजमेर। उन्होंने बताया कि लॉकडाउन के चलते विभिन्न समस्याएं सामने आ रही हैं, जिनमें पानी की समस्या विकराल रूप ले रही है तो बिजली की ट्रिपिंग भी बनी हुई है। वहीं किसानों को उनका दाम नहीं मिल पा रहा। इसके अलावा केंद्र और राजस्थान सरकार द्वारा मिलने वाला राशन भी समय पर नहीं मिल रहा, जिससे गरीब असहाय लोगों की मुसीबत बढ़ रही है। इन सभी समस्याओं को लेकर जिला कलेक्टर से मुलाकात की गई है। कोविड-19 के अंदर बहुत बड़ी एक दिक्कत आ रही है, उसके बारे में भी हमने बात करी है कि हॉस्पिटल में जो सुविधा होनी चाहिए वो सुविधा नहीं हो रही है, बिजली भी बार बार ट्रिपिंग हो रही है, पानी भी बिसलपुर बांध के अंदर पर्याप्त पानी है फिर भी चाहे ग्रामीण हो चाहे शहरों में हो पर्याप्त वहाँ पानी नहीं पहुँच रहा है। इस तरह से जो किसानों की जो खरीद होनी चाहिए उनकी भी बराबर खरीद नहीं हो पा रही है और इस तरह के कई विषय थे तो हमने कलेक्टर साहब को कहा सभी उचित मूल्य की दुकानों पे जो प्रवासी रास्तों में 2 महीने का खाद्य सामग्री है उनको देनी चाहिए। इस तरह की कई बातें हैं जो हमने कलेक्टर साहब को बताई है और उन्होंने कहा है कि हम इसमें सुधार करेंगे। तो स्पेशल तौर पे पुष्कर के अंदर 10 ट्यूबवेल पिछले एक साल से अजमेर विकास प्राधिकरण द्वारा सेंक्शन है लेकिन अभी तक नहीं खुली, तो हमने कलेक्टर साहब से कहा है कि वहाँ सरोवर में पानी की भी कमी है और वहाँ पुष्कर के लोगों को पीने के पानी की समस्या हो रही है, तो आप इसको जल्दी जल्दी खुलाएं। इसके अलावा भी नरेगा का जो समय परिवर्तन, नरेगा के अंदर 1-2 बजे तक श्रमिकों को परेशान नहीं होती तो 11 बजे तक का समय करने के साथ ही बिजली आदि समस्याओं को लेकर हम लोग कलेक्टर साहब से मिले।